सब कुछ कर लो, चिपक लो, कर लो, सब कुछ कर लो, अब तुम मुझे बुला लो से भेजने के बाद, है ना? सॉरी बोल लो, मुझे तुम्हारी सॉरी नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारी सॉरी नहीं चाहिए, बस गुनगुन चली जाएगी तो मैं आ जाऊंगा। अब गुनगुन चली गई तो अब क्या दिक्कत भाई, तो मैं क्यों रहूं अब, मैं क्यों रहूं? तुमने कहा। सो हेलो गाइस, तो कैसे आप सब, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। सो गाइस, आज ना समर का मेरे पास फोन आया और वो कह रहे थे कि मुझसे बात करना चाहते हैं अकेले में, तो मेरा मन तो नहीं था आने का इतने सारे काम देख के इन लोगों के, फिर भी मैं आज आई हूँ यहाँ पे इनसे बात करने। देखते हैं अब ये क्या बात करते हैं क्या नहीं, मैं तो थकी चुकी हूँ इन सब के ड्रामों से। हेलो आगे। हाँ, और कैसी हो? बढ़िया, बैठो, बताओ क्यों बुलाए? कुछ बात करनी थी। क्यों? मेरी पत्नी हो तो मैं बुला नहीं सकता? नहीं। क्यों? ऐसे ऐसे क्यों? बस यूं ही। फिर तुम गुस्सा दिखा रही हो। बोल रहा हूँ गुनगुन चली गई, तो क्या करूँ इसमें, दोबारा बुला लो। किस वक्त? देखो गुनगुन आप चली गई, आप तो मैं क्या करूँ इसमें, दोबारा बुला लो फिर। नहीं आएगी आप? नहीं। तुम ये चाहती थी ना कि गुनगुन चली जाए, उसके बाद तुमने बोला। मैं तो बहुत कुछ चाहती थी ना कि गुनगुन चली जाएगी तो मैं आ जाऊंगा। अब गुनगुन चली गई तो अब क्या दिक्कत भाई, तो मैं क्यों रहूं अब, मैं क्यों रहूं? तुमने कहा था ना, तो क्योंकि तुम मेरी वाइफ। मैंने तो बहुत पहले कहा था कि भेज दो, तो अब चली गई ना, अब गुस्सा करके कोई फायदा है नहीं। देखो जो बात, सारी चीजें कर ली उसके बाद मुझे बुला रहे हो, अब मन भर गया होगा तो उसे भेज दिया। यार तुम पागल, अब मुझे बुला रहे हो, पागल हो गए? कैसी बातें कर रही हो, कैसी बातें कर रहे हो तुम? मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ, बस रहन दो भाई, तुम रहन दो। फिर तुम मानोगी नहीं, ठीक है तुम गुस्सा हो, चलो गुस्सा थूक दो, मैं बोल रहा हूँ ना गुस्सा थूक दो, जो हुआ उसको भूल जाओ, समझो ना प्लीज जो मैं बोल रहा हूँ। तो वही तो मैं कह रही हूँ, क्यों भेज दिया? तो गुनगुन चली गई, क्यों भेज दिया? चली गई मतलब क्या है? चली गई मतलब क्या है भाई? तुम सब कुछ कर लो, चिपक लो, कर लो, सब कुछ कर लो, अब तुम मुझे बुला लो से भेजने के बाद, है ना? सॉरी बोल लो, मुझे तुम्हारी सॉरी नहीं चाहिए, सॉरी मुझे तुम्हारी सॉरी नहीं चाहिए, बस समझा करो भाई, नहीं चाहिए। जब मैंने बोल दिया तुम्हारी सॉरी भाई नहीं चाहिए, बस तुमने बात करने के लिए बुलाया था, मैं बात करने आई हूँ, तो फिर गुस्सा क्यों कर रही हूँ? मैं यही बात करने के लिए बुलाया था कि अब जो हुआ आज के बाद से ऐसा कुछ नहीं होगा। नहीं बस ये हर बार का है, सही होता है, हर बार का नहीं है, लास्ट। अरे भाई नहीं, नहीं लास्ट बार मैं बोल, हर बार हर टाइम तुम्हारा लास्ट ही होता है, कभी नहीं होगा, मैं सच बता रहा हूँ, अब कभी नहीं होगा। नहीं अरे तुम समझा करो ना, मैं नहीं आ सकती, बस मैं अपने अपने घर में खुश हूँ। तो मतलब तुम अकेले वहाँ? हाँ मैं खुश हूँ, मैं यहाँ अकेले रहो, तुम अकेले रहो, आप भेज क्यों दिया उसे, साथ में रखते? मैं प्यार से बोल रहा हूँ ना कि तुम प्यार से बोलो चाहे जैसे मुझे बोलो, रहना नहीं है उसके साथ, मुझे नहीं पता तुम्हें क्या करना है उसके साथ, क्या नहीं करना है मुझे नहीं पता, मुझे तुम्हारे साथ रहना है, बस हवाओं में कह देना है मेरे साथ रहना है। हवाओं में नहीं यार, मैं रियली रियल में बोल रहा हूँ, सच में बता रहा हूँ यार, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम समझा करो प्लीज। अरे हटो तुम, फिर तुम गुस्सा कर रही हो, अब बोल रहा हूँ ना, अब जो हुआ उसे भूल जाओ, सारी चीज उसके साथ, हर एक बात उसके साथ, अब रहने वो चली गई है तो मुझे बुला लिया, बस यही बात है। मैंने उसको भेजा है, अच्छा, मैंने बोला है हाँ। कि देखो दोनों की जिंदगी खराब हो रही, अच्छा, है खराब हो रही है, तुम जाओ। इतने टाइम तक खराब नहीं हो रही थी, जो दिख रहा था हम लोगों को, साल वाले नहीं आ रहे थे ना लेने, लेने नहीं आ रहे थे, मतलब वो जा भी नहीं सकती थी, तो अब गई ना। सीधे बोलो ना, तुम्हें रखना था उसे, ये ससुराल भेजने का ड्रामा क्यों किया, वो क्यों किया ड्रामा, दोबारा तो यही आएगी ना, मुझे सब पता है, मुझे मत बताओ, मुझे मत बताओ यार, मैं तुम्हें भाई मुझे मत बताओ, मुझे तुम्हारा लिखा हुआ नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारा लिखा हुआ नहीं चाहिए, भरोसा तो करो यार, क्यों करूँ भरोसा, कितनी बार भरोसा तोड़ दिया, रिलेशन खराब हो रहा है, समझो, मुझे नहीं पता अब नहीं हो भाई, तो अच्छी बात है, खराब हुआ अब बचा ही क्या है इसमें, अब जब चली गई है तो खत्म करो बात को, 36 बार जाती 36 बार आती है, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, बस क्या फायदा लड़के, बस मुझे नहीं पता क्या फायदा क्या नहीं है, इतने दिन का ही प्यार था, हाँ बस इतने दिन का ही था, देख लो सोच लो, मैंने सोच लिया अपना, देख लो तुम, मैं बोल रहा हूँ ना मैं तुमसे प्यार करता हूँ, नहीं रह पाऊँ, अरे बस सब देखा है मैंने, अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊँ यार, हाँ यहाँ आना मेरी बेवकूफी होगी अब इतना सब देख के, यार मैं बोल रहा हूँ ना गलती हुआ, अब नहीं होगा, आ जाओ रहो यहाँ पे आकर के, क्या करूँ यार, कुछ तुम्हारा है, मेरे क्या करूँ यार, जैसे पहले नहीं क्या करूँ यार, मैं दूसरे को बताऊँ कि मेरे पति की फीलिंग तो वहीं पे ही है, उसके पास ये अटकी हुई है, कब बोला है ना, मैं तो जैसे देखती नहीं, मेरी तो आंखें बंद रहती है, ठीक है अब नहीं होगा, बोल तो नहीं भाई तुम्हारा हर बार का ऐसे ही है तुम्हारा, नहीं होगा नहीं होगा नहीं, हम नहीं रह सकते बस, चलो माफ कर दो ठीक है, अरे नहीं भाई कैसा माफ कर दूं, नहीं ऐसा थोड़ी होता है, तुम लड़के हो तो उसका मतलब थोड़ी ना है कि तुम लेके बैठ जाओगे, अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं यार, बस मुझे नहीं पता, मैं जा रही हूँ यहाँ से, यार सुन तो लो, मैं नहीं सुन सकती भाई, मुझे नहीं सुनना, प्लीज मत जाओ, अरे क्यों ना जाऊं यार, जब मैंने बोल दिया एक ही चीज, क्यों इरिटेट कर रहे हो, मुझे नहीं भाई मुझे नहीं रहना, बस तुम गुस्सा दिखा रही हो यार, मैं प्यार से बात, हाँ नहीं मत करो प्यार से बात, कोई जरूरत नहीं है प्यार से बात करने की,
हो गया तुम्हारे पास, जाऊं मैं यहां से? यार जब बोल रहा हूँ नहीं होगा, नहीं बहुत हो गया, हर बार ऐसी बोलते, नेक्स्ट टाइम भी ऐसी बोला, यहीं बैठे बैठे उठ के बोल दिया मैं, तुम देखो तो मुझे लाइव बता देना, लाइव बता देना, तुमने मुझे देखा है ऐसे? देख तो लिया तुम्हें, कितनी बार देखा मैंने, अब क्या चाहते हो, अब क्या देखना बाकी रह गया, आपके सामने बिठा के दिखाना चाहते हो, वो भी देख लूंगी, चलो ठीक है ना, सॉरी बोल तो रहा हूँ ना, अब नहीं करूंगा। अरे नहीं चाहिए भाई सॉरी, नहीं मैं एक बार मेरे लिए चलो ठीक है, सॉरी बोल रहा हूँ ना, अब नहीं होगा, बोल तो रहा हूँ ना, प्लीज यार समझा करो ना, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, प्लीज यार समझा करो ना, क्या है, क्यों रो रही हो, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, बोल रहा हूँ ना, अब आ जाओ घर, जाओ सामान वामान, या चलो मैं लेके आता हूँ घर से सामान वामान तुम्हारा, तुम यहीं रहो जैसे पहले रह रही थी वैसे रहेंगे हम दोनों। नहीं मेरे मम्मी पापा ने मना किया तुमसे बात करने को, और चीज को बिना बताए आई हूँ मैं, मुझे नहीं पता, मैं नहीं आऊंगा, कोई नहीं आएगा हम दोनों के बीच में, अब कोई नहीं आएगा, तीसरा बताया ना, अब जैसे पहले रह रहे थे वैसे ही रहेंगे, उसकी सास खुद उससे लिखवा के गई है, वो दोबारा यहाँ पे आ ही नहीं सकती है। अरे बस पता कितना लिखवाया है, अरे सच बोल रहा हूँ भाई, भरोसा तो करो, इतना सा भी भरोसा नहीं है तुम्हें? नहीं जाऊँ मैं, हो गया यार, क्यों यार तुम नाराज हो रही हो, क्यों गुस्सा हो रही हो? हाँ क्यों गुस्सा हो रही हो? अब बोल तो रहो ना कि जो हुआ उसको भूल जाओ, अब नहीं होगा, मैं तुम्हारे साथ, मैं ये इसीलिए तो बनी हूँ, करते रहो भूल जाऊँ, तुम बोलो मैं तुम्हारे घर आके बात कर लेता हूँ, तुम्हारे मम्मी से बात कर लूँ, तुम्हारे पापा से बात कर लेता हूँ, जरूरत ही नहीं है, मैंने तो उसी दिन बोल दिया था, तो ऐसे में क्या होगा, जो ना होगा तुम बिठा के रखो उसे, क्यों भेज दिया, मैं तो सीधे बोल रही हूँ मुंह पे भी, किस बात का दिखावा कर रहे हो, पीछे बुला के नहीं था, उसके ससुराल में मजबूरी थी, वो आके रह रही थी, अब उसकी सास मान गए, उसका पति मान गया, वो अपने घर में गई, गोद में बिठाना था ना, अरे भाई हर चीज में टोन ही मारूंगी, और क्या, समझा करो ना यार, रुक जाओ ना, प्लीज मेरे साथ रह लो भाई, मैं नहीं रह सकती तुम्हारे साथ, बस बहुत हो गया तुम्हारा ये ड्रामे ना, तुम्हारे अपने पास रखो प्लीज, उसके लिए बचा के रखो। यार गाइस मैं तो बोल रहा हूँ कि भाई मैं तो सॉरी बोलने को तैयार हूँ, आप लोग भी कमेंट करके बोलो राधिका को कि वो माफ़ कर दो और आ करके रहे, बाकी आप एक बार ना इसके पापा को बुला के मैं बात करता हूँ, बोल लीजिए कि पापा ने मना किया, तब उसके पापा से ही बात करना होगा, बाकी दुआ करो कि राधिका आ जाए और सब कुछ ठीक हो जाए।